अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाक टीवी 24। मैं हूं सकलैन अम्माना। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ शेर अफजल मरवत साहब मौजूद हैं। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइएगा कि इद्दत वाला जो केस है इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से, आप ही उसको हैंडल कर रहे हैं, तो वो केस क्या वो भी खान साहब के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है? क्या लग रहा है इस वक्त सिचुएशन उसके? तो अभी मैं आपको बताऊँ, ताज़ा तरीन पेशरफ से आगाह कर दूँ। इद्दत केस में खावर मानिका को जब गिरफ्तार किया गया तो वो उसका मुकदमा जो जिसमें वो करप्शन के इल्ज़ाम के तहत जिनमें उसको गिरफ्तार किया गया वो छोड़ के अब ये उनको कह रहे हैं कि जी आप हमें वो तारीख बताएं कि इसको हम इद्दत के साथ को इंसाइट कर सके। यानी कि अब खावर मानिका को इसमें ये गवाह बनाना चाहते हैं कि जी वो कहेगा कि मैंने फ़लाँ तारीख को तलाक दी है और यूँ जो है ये अब ये अभी उस पर ये प्रेशर हैं और खावर मानिका जो हैं उसको अब गवाह लाने, यानी आपके पास कोई केस दायर करते वक्त कोई शहादत ही नहीं थी, अब आप शहादतें बना रहे हैं जिस तरह सैफर केस में हुआ, जिस तरह तोशाखाना में हुआ। तो लिहाजा ये भी आपके ज़रिए मैं ये पहली दफ़ा ये बात कर रहा हूँ कि मुझे इलम हुआ कि खावर मानिका पे अब ये इस हवाले से प्रेशर या तशद्दुद हो रहा है कि जनाब अब आप ये बयान दे दें तो आपके मसाइल जो हैं हल हो। ना खान साहब के बच्चों को छोड़ा इन्होंने, ना खान साहब की बीवियों को छोड़ा, ना खान साहब की अहली ज़िंदगी को इन्होंने स्पेयर किया। खान साहब का निकाह, खान साहब की तलाक है, खान साहब की इद्दत, कभी भी जो है हमने मुखालिफीन के ऐसे मामलात पे गुफ्तगू नहीं की हैं क्योंकि ये इंतहाई गिरी हुई इंसानी सोच है कि इन चीज़ों को भी आप महसूस होने का ज़रिया बनाए। खान साहब के ख़िलाफ़ या बीबी साहिबा के ख़िलाफ़ जो इद्दत का केस है ये इंतहाई लघु बेबुनियाद केस है। इद्दत की मियाद पूरी होने के बाद काफ़ी टाइम के बाद जो है निकाह हुआ, यहाँ इन्होंने जो इस्तगासा किया है एक मशकूक शख्स ने और ऑब्वियसली वही वकला हैं इस केस में भी जो FIA के प्रोसिक्यूटर्स हैं, तो लिहाजा एक ही पार्टी है। तो इस केस में इल्ज़ाम ये लगाया गया मौली को गवाह बना के कि मौली कहता है कि जी मैंने फ़लाँ तारीख को निकाह पढ़वाया और इद्दत जो है पूरी नहीं थी। भाई इद्दत के गवाह हैं आप? इद्दत जो है वो तो पहली मैरिज डिजाल होने से शुरू होती है और इस पे जो है जज साहब ने फिर नोटिस भी जारी किए, फिर केस भी शुरू हो गया। उस दिन भी मैंने गुज़िश्ता रोज़ भी जज साहब को बताया, मैंने कहा हमारी क्या मदावा होगा अगर ये साबित हो जाए कि ना इद्दत मुतनाज़ा थी और ये रोज़ाना पट्टियाँ चलती है खान और बीबी साहिबा की इद्दत के हवाले से, इतनी तवहीन आमेज़, इतनी डिफेमेशन हमारी हो रही है। तो उसने कहा जी मैं फिर खारिज कर दूंगा। तो मैंने कहा अगर खारिज करेंगे इससे हमारा क्या मदावा होगा? तो ये मुकदमे सारे बेबुनियाद लघु हैं, तवहीन आमेज़ हैं, गैर इंसानी हैं और गैर अखलाकी है। खबरें चलती रही कि एक ऐसा बयान आने वाला है जिससे खान साहब की सियासत ख़त्म हो जाएगी और इस तरह के बयान थे और खावर मानिका से उनको लिंक किया जा रहा था। देखिए खावर मानिका के बयान अगर दे भी दे देता है, जिस तरह डार साहब ने दी, जिस तरह वो फरूख हबीब ने दी, तो ऐसे बयान की कोई अहमियत नहीं है। तशद्दुद के जरिए, जबर के जरिए दिए गए बयान की कोई अहमियत नहीं है और ऑलरेडी कोई नेकी की तवक्कु भी नहीं है मानिका साहब से हमें कि जी वो क्योंकि जिन हालात में खान साहब जो हैं उनकी उनका यानी रिश्ता जो है हुआ बीबी साहिबा से, तो लिहाजा हम हर किस्म के अब ये शहादत पेश कर रहे हैं और बना रहे हैं और हम इस शहादत को जो है इंशाल्लाह कंटेस्ट करेंगे। ऐसे कुछ सख्तियों की वजह से आपको मुरझाया हुआ तो नज़र नहीं आए? खान साहब का तो रूटीन में एक जैसा रवैया होता है, जब भी उनसे मुलाकात होती है तो हमेशा जो है वो मुलाकाती को ये फील नहीं होने देता है कि आया या वो बोर हो रहे हैं या जो है हमेशा हमारी विज़िट को वो फ्रूटफुल बनाते हैं, क्योंकि जब भी हम जाते हैं ये उनका एक तरीका है कि वो हमेशा हमें ब्रीफिंग देते हैं मुख्तलिफ़ करंट इश्यूज पे और अपना नुक्ता नज़र भी बयान करते हैं। लास्ट अभी जो मैं गया गुज़िश्त रोज़ तो खान साहब जो हैं बड़े ही शफकत से मिले,
गुलाब का फूल उनको पेश किया मैंने। इसके अलावा जो हैं बड़ी सेरा सेर हमारी गुफ्तगू हुई मुख्तलिफ़ इशूज़ पे, और टोटल जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, ताज़ा ताज़ा जिम करके आए थे और पहली दफ़ा ये पहला ही रोज़ था जो साइकिल उनको मिली थी, तो उसका उसने खुसूसी ज़िक्र किया बल्कि मसरत का इज़हार किया। और फिर मैंने उनको आगाह किया कि जो मैंने केस किया था उसी रोज़ से एक रोज़ कबल ये मुकदमा फैसला हुआ था, डिवीज़न बेंच ने डिसाइड किया कि जो खान साहब को हमारी मुलाकातें सिर्फ एक दिन हुआ करती थी, एक सैफर के केस में और फिर एक दिन और। तो सैफर का केस तो उन्होंने ज़बरदस्ती ट्रायल में रखा है, तो फिर मैंने अदालत से रजू किया था, चीफ साहब ने हमें रिलीफ नहीं दी थी, लेकिन डिवीज़न बेंच ने हमें रिलीफ दे दिए और उन्होंने जो हैं दो दिन वकला और दो दिन आले खाना के लिए हिदायत करती हैं जेल अथॉरिटीज़ को, जिस पे वो खुश हुए ये बात सुन के। तो बाकी मैंने उनके जेल के अंदर हालात के बारे में पूछा, फ़राक, गज़ा, सिक्योरिटी, सारी चीज़ों पे फिल वक्त उन्होंने इत्मीनान का इज़हार किया। और वो जो इंतज़ामिया है जेल की, अमले वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, उनका रवैया खान साहब से कैसा है, वो भी आपने उनसे दरियाफ्त किया? जी मैं सख्ती करते हैं क्या? नहीं, सख्ती तो खान साहब के साथ लाजिमन, वो पाकिस्तान के मकबूल तरीन पार्टी के लीडर हैं और साबिक वज़ीर आज़म हैं, तो वो कोई आम हवालाती नहीं है कि वो उनके साथ कोई सख्ती से पेश आएँ, बल्कि मैं ये कहूँगा कि जो अटक जेल के सुपरिटेंडेंट थे और ये जो मौजूदा अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट हैं, दोनों बड़े सुलझे हुए लोग हैं, दोनों से मेरी तफसीली बातें हुई है। गुज़िश्ता रोज़ भी सुपरिटेंडेंट जेल से मैंने उनके खान साहब की सिक्योरिटी, खुराक वगैरह के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की। तो लिहाजा जेल अमला जो हैं वो कानून के मुताबिक खुशअसलूबी से अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, हमें कोई शिकायत नहीं है उनके रवैये से। वहाँ पर जो कैदी हैं, एक मैं ऑलरेडी पिछले अडियाला जो वहाँ पर समाज थी वहाँ पर मौजूद था, एक शहरी वहाँ पर आया था, पठान था वो भी, और वो कह रहा था कि मेरी तो वैसे ख्वाहिश है कि मैं इस जेल में जाऊँ, वहाँ पर खान साहब से मुलाकात हो या उनके साथ मैं उनको वहाँ पर देखूँ, तो इस किस्म की ख्वाहिश रख रहे थे। तो वहाँ पर जो जेल में ऑलरेडी लोग मौजूद हैं, कैदी हैं, कभी खान साहब ने आपसे जिक्र किया कि उन्होंने देखा हो खान साहब को, या नारेबाजी या मोहब्बत का इजहार किया हो, या खान साहब को बाहर ही इस तरह से खुलेआम नहीं जाने दिया जाता, इस हवाले से बात हुई है कभी आपकी उनके से? ये इस तरीके से तो बात नहीं हुई, हमें अटक जेल का पता था कि अटक जेल में इस तरह के वाकयात हुए थे। खान साहब से स्पेसिफिकली ऐसा सवाल पूछा नहीं है, लेकिन अगर कुछ हुआ होगा या जेल के अंदर अवलातियों ने उनकी तरफ कोई किसी गर्मजोशी का इजहार किया होगा तो हो सकता है, लेकिन आपके सवाल में नेक्स्ट विजिट में ज़रूर पूछूँ।